उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इस बार हुई भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरिद्वार और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई मंत्रियों ने क्षेत्र का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया, लेकिन विपक्ष सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सवाल खड़े कर रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर उत्तराखंड कांग्रेस ने 11 सदस्य अनुशासन समिति का गठन किया है, जो सरकार के द्वारा दी जा रही राहत का आंकलन कर लोगों को होने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। जब हरिद्वार में बाढ़ की विभीषिका आई थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को निर्देशित करके स्थल निरीक्षण करने के लिए भेजा था। आदरणीय रावत जी खुद स्थल निरीक्षण के लिए आए थे। इसके बाद पार्टी ने एक निर्णय लिया, क्योंकि लगभग हरिद्वार जनपद के सभी पूरा ही क्षेत्र इससे प्रभावित है, तो एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आज उस 11 सदस्यीय समिति की बैठक थी। हमने इस बैठक में ये निर्णय लिया है कि क्षेत्र की विस्तृतता को देखते हुए हम 5 या 6 सब कमेटी नियत करेंगे, जो प्रभावित क्षेत्रों में जाके प्रभावित लोगों से मिलके इस बात का आकलन करेंगी कि क्या नुकसान हुआ है,